पहुंचे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव और मुंबई के प्रभारी अशोक राज आहूजा जी के पास। अशोक राज आहूजा जी को अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल से सचिव और मुंबई का प्रभारी बनाए जाने के बाद बहुत कम समय होने पर भी उन्होंने मुंबई के अनेक जिलों में और अनेक विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से पर्सनल मुलाकात की। आइए जानते हैं कि वो विधानसभा क्षेत्र में जाने पर उनको मुंबई कांग्रेस सेवा दल का क्या अनुभव रहा है। सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल, प्रभारी मुंबई प्रदेश। चूँकि मुंबई में और पूरे देश में गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है और विशेष करके मुंबई में इसे बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है, इसलिए सभी गणेश भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री गणेश उनकी सभी मनोकामना पूरी करें। मैं यहाँ 26 अगस्त को मैं यहाँ पहली बार आया और यहाँ एक जो दुखद घटना हुई थी, गुरदास कामत जी की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए 29 तारीख को जो पहला कार्यक्रम यशवंतराव चौहान हाल में श्रद्धांजलि का था, जिसमें देश के और प्रदेश के कांग्रेस के लीडर आए थे, वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के बाद 30 तारीख को मैंने सेवा दल की प्रदेश की बैठक MRCC कार्यालय में आयोजित की और अखिल भारतीय स्तर से जो भी कार्यक्रम सेवा दल को यहाँ मजबूत करने के लिए दिए गए थे वो जानकारी मैंने अपने साथियों को दी। जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य यह है कि मुंबई में पहले 3 महीने में दिसंबर तक के 1000 वर्दीधारी सेवा दल के कार्यकर्ता तैयार करना और उसके लिए मैंने यहाँ जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, भाई सतीश मनचंदा जी और भाई कमला यादव जी, दोनों को मैंने 3-3 जिलों की जवाबदारी दी है और उनके साथ मैंने पूरे 6 जिलों का यहाँ दौरा किया। दौरा करने के बाद में हमने उनको सेवा दल के सारे कार्यक्रम से अवगत कराया और उसके बाद में 90 दिन के अंदर इन 3 जिलों में 500 और दूसरे 3 जिलों में 500 कार्यकर्ता तैयार करके हम जनवरी में 2 यहाँ पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे, जिसमें 500 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल 1000 लोगों को हम प्रशिक्षण दे करके यूनिफॉर्म की व्यवस्था वो कांग्रेस सेवा दल की तरफ से होगी। इस तरह जनवरी महीने में हमारे 1000 वर्दीधारी प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे। फरवरी महीने से फिर 500 का टारगेट 3-3 जिलों में दिया जाएगा और उसका अप्रैल के लास्ट में फिर से 1000 कार्यकर्ता तैयार करके 2 कैंप और वर्दीधारी सेवा दल के कार्यकर्ता हम तैयार करेंगे, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की सरकार बनाने में और मुंबई में 6 की 6 लोकसभा जीतने में कांग्रेस का साथ देंगे। 2019 में सेवा दल के 2000 वर्दीधारी कार्यकर्ता तैयार करेंगे, ऐसा आहूजा जी ने कहा है। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में और क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी, क्या क्या तैयारियाँ रहेगी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना, या सेवा दल के भी कुछ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। देखिए, जिस तरह से पूरे देश का माहौल चल रहा है, सारा देश महंगाई से पीड़ित है, मोदी के झूठे वादों से पीड़ित है, अच्छे दिन आएंगे और सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और पूरा देश आज मोदी के नाम से त्राही त्राही कर रहा है। तो निश्चित रूप से लोकसभा में हमारे उम्मीदवार मुंबई में 6 के 6 उम्मीदवार हम जितवाएंगे, महाराष्ट्र में हमारे साथी जीतेंगे और इस बात में कोई शंका नहीं है कि इस देश में UPA गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ पर चुनी जाएगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 2019 के दिसंबर में ही विधानसभाओं के चुनाव हैं, हमारी तैयारी केवल लोकसभा तक ही नहीं है, उसके बाद हम तालुका स्तर में अपनी बैठकें आयोजित करेंगे, ब्लॉक स्तर पर अपनी बैठकें आयोजित करेंगे और मेरा ये मानना है कि हम निचले स्तर से कार्यकर्ता तैयार करेंगे, पोलिंग बूथ तक के स्तर के कार्यकर्ता तैयार करेंगे
और उनका हर स्तर पर हम प्रशिक्षण शिविर लगा करके उनके लिए वर्दी की व्यवस्था करके हम विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। और मेरा लक्ष्य ये है कि महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस की सरकार बने, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से आप मुंबई की जनता और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे देश की जनता हो चाहे मुंबई की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद से अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, सभी वर्ग परेशान हैं, हलाकान हैं और त्राही त्राही माम कर रहा है मोदी सरकार के नाम से। मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि केवल चेहरा देखकर या केवल व्यक्तित्व देखकर ही अपने बहुमत बहुमूल्य मतों का इस्तेमाल ना करें, पार्टी भी साथ में देखिए कि कौन सी पार्टी शासन चलाना जानती है, किस पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत ज़्यादा महत्व है और कौन नेता, युवा नेता आपके देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं बना सकता है। जिस तरह से राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही थी, निश्चित रूप से राहुल गांधी भी देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। इसलिए मुंबई की जनता और देश की जनता से मैं अपील करता हूँ कि इस चुनाव में सोच समझ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक लोकतांत्रिक और काम करने वाली सरकार को चुने जो कि कांग्रेस पार्टी है। हिंदुस्तान की आवाज के लिए मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।